मीरा भयंदर शहर की आबादी 1980 में सिर्फ 75,000 थी, 91 में 2.25 लाख थी जब नगर परिषद का पहला चुनाव हुआ, 1988 में वर्ल्ड बैंक की स्कीम से 21 एमएलडी की पानी की पहली योजना लाई, और 91 से लेकर तो 2004 तक के जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी सत्ता में म्यूनिसिपल नगर परिषद में थी और महापालिका में थी, हमने इस शहर के अंदर 175 एमएलडी पानी लाया। 2006 और 7 के आसपास में हमने नए कनेक्शंस देने का काम बंद कर दिया, इसलिए कर दिया कि जो पानी आ रहा था उसमें जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन थी हम उन्हीं को पानी दे सकते थे। 2014 में जब हम महापालिका की सत्ता से बाहर गए उस वक्त हमने 75 एमएलडी पानी एमआईडीसी के पास से लाने का योजना नक्की कर दी, मंजूर कर दी, काम की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब इस शहर में आए, कॉरपोरेशन के इलेक्शन में बड़ी बड़े होर्डिंग्स लगे कि 24 घंटा पानी आपको मिलेगा। आज 2 साल हो गया पानी तो मिल नहीं रहा है, मगर उस बात को लेकर के सत्ताधारियों ने तकरीबन 10 से 15 हजार नए कनेक्शंस दे दिए। और नए कनेक्शंस किसको दिए हैं, जो नया एरिया बसा है कानाकिया की तरफ गुड़बंदर की तरफ, उन लोगों को 15-1 हजार नए कनेक्शन देने की वजह से ये शहर में पानी की किल्लत हो गई है, शॉर्टेज हो गई है। जो पानी लोगों को पहले 3 घंटा 4 घंटा आता था आज वो मुश्किल से आधा घंटा आता है। पानी का टैक्स 2014 तक के 10,000 लीटर का 7 रुपया था, आज वो 14 रुपया हो गया, मतलब टैक्स डबल हो गया, बिल डबल हो गया है, और पानी जो आता था उससे सिर्फ 15-20 मिनट आता है मुश्किल से। 100 एमएलडी की सूर्य प्रकल्प में से जो पानी लाने की हमारी जो योजना थी उसे मंजूरी मिल चुकी थी, काम की शुरुआत होने वाली थी, सरकार बदल गई, मगर 5 सालों के अंदर सूर्य प्रकल्प से जो 100 एमएलडी पानी यहाँ लाना था वो आज तक के लाया नहीं गया। हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि उस 100 एमएलडी की योजनाओं को तुरंत पूरा किया जाए और मीरा भयंदर वासियों को पानी पूरा उपलब्ध हो, इसका प्रयास किया जाए।